छात्रों, अपने इस विजुअल में मैं आप लोगों को पद्य के वाचन शैली के संबंध में बताऊंगा। कविताओं को पढ़ने का अपना एक विशेष तरीका होता है और उसका बहुत बड़ा फायदा भी होता है। पद्य को पढ़ने यदि ढंग से आता है, यानी कविताओं का वाचन यदि हम सही तरीके से कर लेते हैं, तो वो हमको याद करने में सहजता होती है, यानी हमको आसानी से याद हो जाती है। और जब कविताएं हमको याद रहती हैं तो उन कविताओं याद हुई रचनाओं का सबसे बड़ा फायदा यह है कि उससे संबंधित यदि कोई भी प्रश्न हमसे किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा या फिर वर्ग में शिक्षक के द्वारा या फिर परीक्षा में ही यदि प्रश्न पत्र में भी उस कविता से संबंधित कोई प्रश्न शामिल है तो उन प्रश्नों का जवाब देने में या उत्तर लिखने में हमको सहजता होती है। चूँकि हम अपने मन मस्तिष्क में कविता की उन पंक्तियों को दोहराते हैं जिससे संबंधित प्रश्न हैं और जवाब हमको आसानी से मिल जाता है, तो इस लिहाज से कविताओं को याद कर लेना या कविताओं को बोल करके पढ़ने का जो तरीका है यह छात्रों के लिए बहुत ही लाभकारी है छात्र हित में। इसलिए मैं आपको आपके पाठ्य पुस्तक क्षितिज में जो कविताएं शामिल हैं उनको आपके समक्ष पढ़ रहा हूँ। इस विजुअल में मैं सिर्फ आप कविताएं पढ़ूंगा, आप देखिए कि कविताएं पढ़ते कैसे हैं और यदि आप इसको सही तरीके से बोल लेते हैं, पढ़ लेते हैं इन कविताओं को, इन रचनाओं को जो आपकी पाठ्य पुस्तक में शामिल हैं, तो आगे भविष्य में इसका आपको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। आपके सिलेबस से इस कोविड काल में कोरोना को देखते हुए बहुत सारे पाठ्यक्रम हटा दिए गए हैं, बहुत सारे पाठों को हटाया गया है। तो खैर, यहाँ हमारा मकसद आपको पद्य की वाचन शैली को सिखाना है, तो इस लिहाज से मैं जो पद्य आपके अभी वर्तमान की पाठ्यक्रम तालिका में शामिल है उनको भी, जो नहीं शामिल है उनको भी, सभी को पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान देकर सुने। सबसे पहले आपकी पाठ्य पुस्तक में शामिल है कबीरदास की साखी। मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कड़ाही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनत न जाही। प्रेमी ढूंढत मैं फिरऊं प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डाड़ी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झकमाड़। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरी भजे सोई संत सुजान। हिंदू मुनवा राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीविता जो दुह के निकट न जाई। काबा फिर काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जीम। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुवरण कलश सुरा भड़ा साधु निंदा सोई। अभी जो हमने वाचन किया वो कबीरदास की साखियां हैं जो आपकी पाठ्य पुस्तक में शामिल हैं, और ये सात साखियां जो अभी हमने पढ़ी उनकी संख्या सात है। आगे आपकी पाठ्य पुस्तक में शामिल है कबीरदास के दो शब्द जिनको अब मैं पढ़ रहा हूँ। सबसे पहला शब्द है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, नामय देवल नामय मस्जिद ना का देव कैलाश में, ना तो कौनो क्रिया कर्म में ना ही योग वैराग में, खोजी हो तो तुरत ही मिली हो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। और दूसरा शब्द है, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबय उड़ानी माया रहे न बांधी, हित चित की द्वय धुनी गिरानी मोह बलिंदा टूटा, तृष्णा छानी पड़ी घर उपड़ी कुबुद्धि का भांडा फूटा, जोग जुगुति करी संतों बांधी निरचु चुए न पानी, कूड़ कपट काया निष्काया हड़ी की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरी जल भीनी, कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम खीनी।
इसके बाद है ललद्यद विरचित वाक। तो सबसे पहला वाक है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मोड़े, जी में उठती रह रह भूख, घर जाने की चाह है मेरे। दूसरा है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खा कर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा सम भावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। तीसरा वाक है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी रही, बीत गए दिन आ, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को तुम क्या उतराई। और चौथा है, थल थल में बसता है सीधी, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी हो तो स्वयं को जान, यही है साहिब से पहचान। ये ललद्यद विरचित वाक थे जिनकी संख्या चार थी। और अब आपकी पाठ्य पुस्तक में जो अगला पद्य शामिल है वो है रसखान का सवैया। मानुष हो तो वही रसखानी, बस हों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जौ पशु हो तो कहाँ बस मेरु चरौनित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण, जौ खग हो तो बसेरो करौ मिली कालिंदी कुल कदम की डारण। दूसरा सवैया है, या लकुटियरु कामड़िया पर राज तिहुपुर को तजिडारो, आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो, रसखान कबौ इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक एकल भौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वार। तीसरा सवैया है, मोड़ पखासिर ऊपर राखी हूँ भूज की माल गड़े पहिरौंगी, ओढ़ी पीताम्बर लय लकुटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरौंगी, भाव तो वो ही मेरो रस खानी सो तेरो कहो सब स्वांग करौंगी, या मुरली मुरली धर की अधरा न धरी अधरा न धरौंगी। और चौथा है, कान निदे अंगुड़ी रही वो जब ही मुरली धुन मंद बजई है, मोहनी तानन सो रस खानी अटाचरी गोधन गई है तो गई है, टेरी कहो से गिरे ब्रज गोगी निकाली को कितनो समझई है, माई रिवा मुख की मुस्कानी संभारी न जई है न जई है न जई है। ये रसखान विरचित सवैया है। और अब आपको पढ़नी है माखनलाल चतुर्वेदी की कैदी और कोकिला कविता। इसे पढ़ेंगे हम, क्या गाती हो क्यों रह रह जाती हो कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो संदेशा किसका है कोकिल बोलो तो, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकों चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तरफ रह जाना, जीवन पर अब दिन रात करा पहरा है, शासन है या तमका प्रभाव गहरा है, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी कोकिल बोलो तो, क्या लुटा मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो, क्या हुई बावली अर्ध रात्रि को चीखी कोकिल बोलो तो, किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी कोकिल बोलो तो, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़िया क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना, कोल्हू का चर्रक चू जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकर का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली कोकिल बोलो तो, इसलिए रात में गजब ढा रही आली कोकिल बोलो तो, इस शांत समय में अंधकार को वेद रो रही हो क्यों कोकिल बोलो तो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही हो क्यों कोकिल बोलो तो, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौ श्रृंखला काली, पहरे के हूँ कृति की ब्याली, तिस पर है गाली ऐ आली, इस काले संकट सागर पर मरने को मदमाती कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती कोकिल बोलो तो, तुझे मिली हरियाली डाली मुझे नसीब कोठड़ी काली, तेरा नभ भर में संचार मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहाँ वे वाह रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी बजा रही तिस पर रंगेरी, इस हूँ कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूँ कोकिल बोलो तो, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किस में भर दूँ कोकिल बोलो। ये माखनलाल चतुर्वेदी विरचित कविता है। तो
इस विजुअल में हमने आपको बताया कबीरदास के, कबीरदास की साखियाँ, कबीरदास के शब्द, ललजत विरचित वाक, रसखान के सवैये और माखनलाल चतुर्वेदी विरचित कैदी और कोकिला। आगे के विजुअल में हम आपके पाठ्यपुस्तक में शामिल अन्य कविताओं का भी वाचन करेंगे।